दया भाभी की पहली झलक क्या अब से ठीक 13 दिन बाद हमें देखने को मिलेगी। 13 दिन क्यों? क्योंकि 13 दिन बाद शुरू होने जा रही है नवरात्रि। जैसा कि दोस्तों आप कैलेंडर में देख सकते हो 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू है, आज से ठीक 13 दिन बाद। और 13 दिन बाद दया भाभी का फेवरेट फेस्टिवल नवरात्रि शुरू हो रहा है। तो क्या इस नवरात्रि में दया भाभी गोकुलधाम सोसाइटी में वापस आ रही है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको कन्फर्म बताने वाला हूँ कि दया भाभी आएगी नवरात्रि में या फिर नहीं। ये बात जानने से पहले आपको आसित कुमार मोदी का एक बड़ा स्टेटमेंट को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो स्टेटमेंट क्या है, चलिए मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। देखने से पहले आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। तो दोस्तों आप सभी को याद होगा जब पिछले साल दिवाली में दया भाभी की एंट्री नहीं हुई थी और फैंस काफी ज्यादा भड़क कर तारक मेहता सीरियल को बॉयकॉट करने को चले आए थे, तो यहाँ पर आसित कुमार मोदी का एक स्टेटमेंट निकल कर आया फैंस के लिए। जहाँ पर जैसा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया के ये न्यूज़ मीडिया आर्टिकल में देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने कहा मतलब यहाँ पर आसित कुमार मोदी है, तो उन्होंने कहा 15 सालों के इस सफ़र में सभी को हार्दिक बधाई। ऐसे ही एक कलाकार है जिन्हें हम भूल नहीं सकते, वो कलाकार है दया उर्फ दिशा वकानी। उन्होंने इतने सालों में फैंस का मनोरंजन किया और हमें हंसाया भी है। फैंस उनके वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं आप सभी से वादा करता हूं कि दिशा वकानी जल्द ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वापस आएगी। और आगे लिखा हुआ है, आप सभी हमसे नाराज़ हैं और मुझे पता है कि आप सभी मुझसे प्यार करते हैं, हम आपके प्यार की कद्र करते हैं और हम आपकी भावनाओं के साथ खेल नहीं रहे हैं। हमारा विश्वास करें, हम जल्द ही दया भाभी को लाने वाले हैं। कुछ परिस्थितियों के कारण हम उन्हें दिवाली में वापस नहीं ला सके, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि दया भाभी जल्द ही गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाएगी। कृपया नाराज ना हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहे। तो दोस्तों इस न्यूज़ मीडिया आर्टिकल में आप दो चीज़ को नोटिस करो। सबसे पहले दो चीज़ इसमें यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है कि यहाँ पर आसित कुमार मोदी ने कहा दया भाभी यानी कि दिशा वकानी ही जल्द तारक मेहता सीरियल में वापस आएगी। देखो इस लाइन को आप ठीक से पढ़ो, दिशा वकानी जल्द ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वापस आएगी, यहाँ पर खुद आसित कुमार मोदी कह रहे हैं। अच्छा, और अगर दूसरा पेज मैं आपको दिखाऊं न्यूज़ मीडिया आर्टिकल का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो कि उन्होंने वादा किया है कि वो जल्द ही लेकर आएंगे दया भाभी को कुछ दिनों के अंदर ही, लेकिन कुछ दिन एक साल में बदल गया। तो यहाँ पर पिछले साल आसित कुमार मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया दया भाभी को लेकर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस साल की, यानी कि अब 13 दिन बाद है नवरात्रि। तो क्या नवरात्रि में दया भाभी आएगी? दोस्तों आसित कुमार मोदी का लिटरली अब एक साल होने वाला है, लेकिन दया भाभी को लेकर अब तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि वो आ रही है या फिर नहीं आ रही है, या उन्होंने फैंस को ये तक नहीं बताया है कि मैंने आप सभी से वादा किया है कि मैं दया भाभी को लेकर आऊँगा और मुझे पता है कि आप सब इंतज़ार कर रहे हो, ये बात तक उन्होंने फैंस से नहीं कही है। तो आप सब कैसे उम्मीद कर सकते हो कि नवरात्रि में दया भाभी की एंट्री हो जाएगी? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इस साल नवरात्रि में दया भाभी की एंट्री नहीं होने वाली है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, नवरात्रि में दया की एंट्री होगी या फिर नहीं, कमेंट में बताना।